दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि Vivo इंडियन मार्केट में 28th ऑफ अगस्त को अपने Vivo V29e को लॉन्च करने वाला है। बट दोस्तों लॉन्च से पहले इसकी सारी स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइसिंग, हर जानकारी बाहर निकल आ चुकी है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Vivo V29e 5G के जो है स्पेक्स के बारे में बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो आपको एक 120 हर्ट्ज का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, सामने की तरफ जो है आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, अच्छी बात है। जो कि अब बैक की तरफ बताया जा रहा है कि 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आएगा। एंड सेकेंडरी कैमरा मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि 2 मेगापिक्सल का ऐसे ही कंपनी बस चिप देगी, इसका कोई भी यूज नहीं होता है। बैटरी यहाँ पे 4600 mAh की होने वाली है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। एंड हाँ, यहाँ पे आपको 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि बैटरी डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो है बहुत अच्छा काम करा गया है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें, यहाँ अच्छा काम नहीं करा गया ना, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा कि यहाँ पे अच्छा काम करा गया, क्योंकि यहाँ पे चिप दिया गया है स्नैपड्रैगन 695। अब आप मुझे खुद बताइए कि जिस प्राइस रेंज पे ये आ रहा है, प्राइस मैं आगे बताऊंगा, क्या उस प्राइस पे डिजर्व करता है स्नैपड्रैगन 695? खैर आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड यहाँ पे जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, 3.5mm जैक मिसिंग होने वाला है, डुअल सिम का सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। एंड ये स्मार्टफोन जो आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। तो ये रही स्पेक्स की कहानी Vivo V29e 5G की। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी प्राइसिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली होने वाली है 28,000 रुपये। अब 28,000 रुपये, 27,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आप यहाँ पे फ़ोन लॉन्च कर रहे हो जहाँ पे स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट है। मतलब लिटरली वीवो कौन सा माल, कौन सा फूके हो। मतलब अब इस स्मार्टफोन को मैं आपको कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं क्लियरली बोलूँगा कि स्मार्टफोन के लिए वेट मत करना भाई। स्नैपड्रैगन 695 हो या फिर स्नैपड्रैगन 400 सीरीज का चिपसेट हो, यही दोनों में से कोई एक होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली मांगा से लेकर स्नैपड्रैगन 695 ही होगा। मतलब कैसे जस्टिफाई करोगे आप इस चिपसेट को, जस्टिफिकेशन कैसे दोगे इस चिपसेट के लिए, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। खैर जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा ऑफिशियली यहाँ से वीडियो देखने को मिल जाएगी कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ जो भी लीक्स निकल कर आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा इस स्मार्टफोन को। खैर 28 तारीख को सब पता चल ही जाएगा। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था Vivo V29e 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन या ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डाली। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।